नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ में नववर्ष की पूर्व संध्या 31st पर शनिवार को समाजसेवी जुगल किशोर पांडे की पहल पर 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के साथ ही युवाओं के लिए स्थानीय देव सिंह मैदान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ नागरिक संगठन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए 400 मीटर वॉक रेस, 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 600 मीटर वॉक रेस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान युवाओं द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पिथौरागढ़ के बीण स्थित माँ भगवती सदन में कल्याणी शनिवार को पूर्व सैनिक संगठन द्वारा एक आवश्यकी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन पदाधिकारियों द्वारा संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली बैठक में देहरादून से मेजर जनरल गुलाब सिंह, जिले से विंग कमांडर प्रवीण पंत, मेजर त्रिलोक सिंह तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सीबी पुन सहित बंगापानी, मतकोट, मुंशियारी, थल, नाचनी, मुआनी सहित अन्य स्थानों के पूर्व सैनिक प्रतिभाग करेंगे। बताया कि इस दौरान पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही संगठन के कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। संगठन द्वारा बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पुनेड़ी गांव की रहने वाली व वर्तमान में हल्द्वानी निवासी ऋषिका भट्ट पत्नी राकेश भट्ट ने देहरादून में ब्लू रिकॉर्ड प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित मिसेज एशियन दिवा इंटरनेशनल शो में प्रतिभाग कर दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल शो में देश व विदेश के विभिन्न स्थानों के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था। ऋषिका सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सतगढ़ गाँव की रहने वाली हैं और उनका विवाह जिला मुख्यालय के निकट पुनेड़ी गाँव में राकेश भट्ट से हुआ था। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने पति राकेश भट्ट और माता पिता को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर जिले भर में खुशी व्याप्त है। जनपद वासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अल्मोड़ा के रानीखेत में 31st व नववर्ष के आगमन के मद्देनजर सीओ तिलोक राम वर्मा व एसएचओ नासिर हुसैन की उपस्थिति में व्यापार मंडल पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन व अन्य लोगों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग कर हुदंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी कर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिवस कनाथीना थाना प्रभारी मेगा शर्मा द्वारा चेकिंग के दौरान नशे में वाहन चलाने पर वाहन चालक प्रेम सिंह निवासी खेला धारचूला को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। बेरीनाग प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार व बलवाकोट में एसआई मीनाक्षी देव द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान नाबालिकाओं द्वारा वाहन चलाए जाने पर 3 वाहन सीज किए गए। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 59 वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त मिशन मर्यादा अभियान के तहत 30 लोगों के विरुद्ध पुलिस व कोटवा अधिनियम में चालान की कार्रवाई की गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।